सत्य ही जीवन का आधार है और सच्ची सफलता की कुंजी है। सत्य को जीवन का अभिन्न अंग बनाओ और हर परिस्थिति में उसे अपनाओ। वाणी में सच्चाई रखो और झूठ से दूर रहो। महाभारत के युद्ध भूमि पर जब अर्जुन के मन में धर्म और कर्तव्य को लेकर संदेह उत्पन्न हो गए थे, श्री कृष्ण ने उन्हें गीता के माध्यम से उपदेश देने के साथ ही एक प्रासंगिक कहानी भी सुनाई। यह कहानी अर्जुन को उनके कर्तव्यों और जीवन के उद्देश्य को समझाने के लिए थी। प्राचीन काल की बात है, एक बार एक राजा अपने राज्य में एक दिव्य दरबार आयोजित कर रहा था। इस दरबार में उसने सभी ज्ञानी और प्रभावशाली व्यक्तियों को आमंत्रित किया था। उसी समय एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी अपने छोटे से गांव से दरबार में पहुंचे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत ही साधारण और गरीब थे, लेकिन उनके पास एक अद्वितीय गुण था, सत्य की गहरी आस्था। ब्राह्मण ने राजा से कहा, महाराज, हम आपकी दरबार में आए हैं क्योंकि हमने सुना है कि यहाँ बहुत से ज्ञान और अवसर मिलते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें अपने राज्य में एक छोटा सा स्थान दें, जहाँ हम अपनी साधना और पूजा कर सकें। राजा ने उनकी विनम्रता और निष्ठा को देखकर उन्हें एक छोटे से गांव में बसने की अनुमति दे दी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने वहां जाकर एक छोटे से आश्रम की स्थापना की और पूरी भक्ति और समर्पण के साथ साधना और पूजा करने लगे। वहीं उस राज्य में एक सुंदरी कन्या सवित्री एक बहुत ही पवित्र और धर्मनिष्ठ कन्या थी। सवित्री का विवाह सत्यवान नामक एक युवक से हुआ जो अपने जीवन में बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन बहुत ही गरीब था। सवित्री के माता पिता उसकी स्थिति को देखकर चिंतित थे, लेकिन सवित्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह अपने पति के साथ हर परिस्थिति में खुश रहेगी। समय बीतता गया और सवित्री और सत्यवान के जीवन में प्रेम और समर्पण की भावना बढ़ती गई। एक दिन सत्यवान को एक रहस्यमय बीमारी हो गई और उसकी स्थिति गंभीर हो गई। सवित्री ने अपने पति के इलाज के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन वह जानती थी कि सत्यवान की मृत्यु अब निकट है। सवित्री ने अपने पति की रक्षा के लिए एक अनूठा उपाय अपनाया। उसने तपस्या की और ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर को पुकारा। उसने अपने पति की जीवन की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की। उसकी निष्ठा और भक्ति देखकर देवताओं ने सवित्री को आशीर्वाद दिया और सत्यवान को जीवन दान देने का निर्णय लिया। सवित्री की भक्ति और निष्ठा ने सत्यवान को पुनर्जीवित कर दिया और दोनों के जीवन में सुख और समृद्धि लौट आई। उनकी दैवीय समर्पण की कहानी दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह कहानी सुनाकर यह समझाया कि सवित्री की निष्ठा, समर्पण और कर्तव्य पालन की भावना ने उसे और उसके पति को संकट से उबार लिया। इसी प्रकार अर्जुन को भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ युद्ध करना चाहिए। जीवन में कभी भी कठिनाइयां आएं, लेकिन सही मार्ग पर चलकर और अपने कर्तव्यों को निभाकर ही हम सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि कर्म करने में केवल परिणाम की चिंता करना छोड़ देना चाहिए और पूरी ईमानदारी और समर्पण से कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस प्रकार अर्जुन ने गीता के उपदेशों को आत्मसात किया और युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गया। अपने कार्य और विचारों में सत्य को प्राथमिकता दो। सत्य की सच्चाई और शक्ति को समझो और उसका सम्मान करो। सत्य को उजागर करने से ही अंधकार मिटता है। सत्य का प्रचार करो। सत्य में अपार शक्ति है जो सभी विघ्नों को पार कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य और न्याय का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। सच्चे न्याय की प्राप्ति के लिए सत्य का अनुसरण करो। सत्य का पालन करने से जीवन में शांति और संतोष मिलता है। सत्य का बल महान होता है। इस बल का प्रयोग जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए करो। सत्य की साधना केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होनी चाहिए। सत्य के प्रति पूर्ण निष्ठा रखो और जीवन में ईमानदारी बनाए रखो। सत्य की पहचान करने के लिए उसके परीक्षण और विचारण की आवश्यकता होती है। आत्मा की वास्तविकता सत्य में निहित है। आत्मा को समझने के लिए सत्य का अनुसरण करो। सत्य का आदर्श जीवन को उच्च मानक पर ले जाता है। विवेक के माध्यम से सत्य को समझो और अपनाओ। सत्य की शिक्षा से ही जीवन में सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। सत्य के प्रति पूर्ण समर्पण से ही स्थिरता और सफलता प्राप्त होती है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कठिनाइयों का सामना करो और बलिदान के लिए तैयार रहो। सत्य को आत्मसात करने से जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म का पालन सत्य के बिना संभव नहीं है। सत्य के साथ धर्म का पालन करो। सत्य का प्रकाश अंधकार को समाप्त करता है और ज्ञान का मार्ग दिखाता है। सत्य के मार्ग पर चलने से जीवन में सब कुछ सही और संतुलित होता है।
सत्य की मित्रता से ही सच्चे मित्र मिलते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। साधना के माध्यम से सत्य की प्राप्ति होती है। सत्य को समझने के लिए साधना करो। सत्य के प्रति समर्पण से मनुष्य आत्मा को उच्च स्तर पर ले जा सकता है। सत्य का पथ कठिन हो सकता है, लेकिन यह स्थिरता और शांति की ओर ले जाता है। सत्य हमें स्वतंत्रता की अनुभूति कराता है। सत्य का अनुसरण करो और स्वतंत्रता का अनुभव करो। सत्य की शक्ति अपार होती है। इस शक्ति का उपयोग जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य को अपने कर्मों में लागू करो और निष्कलंक कार्य करो। सत्य के साथ प्रेम का पालन करना जीवन को सुंदर और संतुलित बनाता है। सत्य को साझा करने से जीवन में संबंध और सहयोग बढ़ता है। सत्य की अनुभूति से ही आत्मा को शांति और संतोष मिलता है। सत्य की पूजा करने से जीवन में आत्मिक उन्नति होती है। सत्य के संग रहने से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और शांति बनी रहती है। सत्य का अनुसंधान और परीक्षण जीवन की दिशा को स्पष्ट करता है। सत्य और ज्ञान का मेल आत्मा को सच्चे मार्ग पर ले जाता है। सत्य की साधना से जीवन में सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। सत्य की दृढ़ता से सभी समस्याएं हल होती हैं और जीवन में स्थिरता आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य के प्रति आभार प्रकट करने से जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि आती है। सत्य के प्रति विश्वास जीवन को सच्चे मार्ग पर ले जाता है। सत्य का सम्मान करने से आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त होता है। सत्य का अनुसरण करने से जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त होती है। सत्य की पथ पर चलने से जीवन में सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। सत्य के प्रति ध्यान और समर्पण से आत्मा को शांति और संतोष मिलता है। सत्य की प्रेरणा से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। सत्य का नियमित अभ्यास करने से आत्मा को सच्ची उन्नति मिलती है। सत्य का ज्ञान हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता है। सत्य को स्वीकार करने से आत्मा की सच्ची पहचान होती है और जीवन में संतुलन आता है। इन उपदेशों के माध्यम से श्री कृष्ण ने सत्य के महत्व और उसके पालन की दिशा में मार्गदर्शन दिया है। सत्य को अपनाकर और उसे अपने जीवन में लागू करके हम आत्मिक उन्नति और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आशा करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें।